हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज का जो मेरा टॉपिक है टरबाइन, स्टीम टरबाइन। तो आज मैं बताऊंगा स्टीम टरबाइन की डेफिनेशन, इसकी वर्किंग, इसके पार्ट्स एंड इसके टाइप्स। तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो। ये थर्मोडायनेमिक्स का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, स्टीम टरबाइन। सबसे पहले टरबाइन को समझ लेता हूँ क्या होता है। आखिर टरबाइन होता क्या है? तो टरबाइन क्या है? टरबाइन का मेन पर्पज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, जो स्टीम होती है जो कि बॉयलर से निकलती है, वह स्टीम क्या होती है, जो स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी स्थितिक ऊर्जा बोलते हैं, वह नोजल के थ्रू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। और नोजल से जो स्टीम निकलती है वो डायरेक्ट स्ट्राइक कहाँ होती है? ब्लेड्स पर। और ब्लेड्स से क्या होता है, जो रनर होता है वो मूव करता है, उसके साथ शाफ्ट कनेक्ट होती है, वो शाफ्ट क्या होती है, मूव होने लगती है। तो मतलब क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जो शाफ्ट होती है उसके साथ जनरेटर कनेक्ट होता है, तो जनरेटर से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब क्या होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह ये क्या है, स्टीम टरबाइन एक डिवाइस है। क्या होता है? एक डिवाइस है या प्राइम मूवर है, जिसमें क्या होता है, स्टीम की पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। एंड इसके थ्रू क्या होता है, जो शाफ्ट रोटेट होती है तो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस तरह क्या होती है हमारी, उसके साथ जनरेटर कनेक्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब मैं इसका एक डायग्राम बता देता हूं कैसे। जैसे दिख रहा है एक स्केच डायग्राम है, ये क्या है, कहां से स्टीम आती, बॉयलर से। बॉयलर क्या आता है, स्टीम जनरेट करता है। जैसे कि बॉयलर का दिखाया गया, वाटर कहां हो रही, बॉयलर में जा रही, बॉयलर में हीट, बॉयलर से क्या होता है, हीट देते हैं, बॉयलर से क्या स्टीम जनरेट होती है। स्टीम जो क्या जाती है, क्या एक टर्बाइन में स्टीम टर्बाइन लगा हुआ है, ये क्या है, स्टीम यहाँ इन हो रही है, उससे के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर नोजल लग रहा था, नोजल के थ्रू क्या होता है, स्टीम इन होती है किसमें, टर्बाइन में। ठीक है, टर्बाइन क्या करता है, जो उसमें प्राइम मूवर लगा रहता है या फिर क्या बोलते हैं, जो रनर लगा रहता है, उस पर ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड पे स्ट्राइक करती है स्टीम, और वो क्या मूव करता है, मूव करता है, तो क्या होता है, उससे शाफ्ट लगी जाती है, शाफ्ट रोटेट होता है, उसके साथ जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब इसके बाद क्या होता है, स्टीम इन हुई, अब जो ब्लेड्स से क्या होता है, फिर स्टीम आउट हो जाती है, अपना काम किया स्टीम ने और वो आउट हो गई। आउट होने के बाद क्या होता है, कंडेंसर लगा रहता है, इसके अंदर जाती है स्टीम, फिर से कंडेंस होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वाटर फिर से इस तरह ही सर्कुलेट, पूरा सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो अब अपन ये तो क्या पूरा डायग्राम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने तक का, लेकिन अपन जो इस चैप्टर में क्या समझने चाह रहे हैं, ओनली आखिर स्टीम टरबाइन क्या होते हैं और कैसे स्टीम टरबाइन मूव होता है, तो वो मैं एक एनिमेशन डायग्राम से आपको बताता हूं। जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, रनर है, ये ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये बकेट बोलते हैं इसको, ये क्या है, स्टेशनरी नोजल है, इस नोजल से क्या है, बॉयलर के थ्रू यहां से क्या स्टीम इंटर हो रही है, इसका जो नोजल है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। ठीक है, तो इसके कारण क्या, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है, सीधा स्ट्राइक कहां करती है, मतलब कहां टकरा रही है, सीधा ब्लेड्स पर। अब ब्लेड्स को क्या मारती है, धक्का मारती है, फोर्स लगाती है, फोर्स लगाने का होता है, ये क्या होता है, मूव होता है, क्या रनर मूव होता है, तो इस तरह यहाँ पर क्या शाफ्ट कनेक्ट रहती है, शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, जनरेटर कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो शाफ्ट, ठीक है, इस तरह ये क्या हो रही है, जो स्टीम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और उससे क्या मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जो कि शाफ्ट रोटेट होती है, और इसके थ्रू जो मैकेनिकल एनर्जी वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जनरेटर के थ्रू। तो इस तरह हमारा ये सिस्टम, जो टरबाइन होता है, जो मैंने अभी दिखाया था एक स्केच डायग्राम में, इस तरह ये हमारा टरबाइन काम करता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो अब इसकी अपन थ्योरी समझ लेते हैं, इसके पार्ट्स कौन थे उनको एक्सप्लेन करते हैं और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल समझते हैं। ये क्या मेन पार्ट्स ऑफ द टरबाइन, जैसे क्या नोजल्स लिखा है, जैसे लिखा हुआ, इट गाइड्स द स्टीम टू फ्लो, मतलब स्टीम को गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में तुम्हें जाना है, इस डिजाइन डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, और क्या करता है, जो स्टीम की वेलोसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये नोजल का कार्य है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है नोजल लगा हुआ है, इस टाइप का नोजल होता है जो कि बॉयलर के, जो कि जिससे स्टीम मतलब निकलती है, फ्लो होती है, और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करता है और ये डायरेक्ट स्ट्राइक हो रही है। अब क्या होता है, रनर, रनर क्या है, ये दिख रहा है, ये क्या रनर है,
जिसके ऊपर ब्लेड माउंटेड रहते हैं, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द टरबाइन। क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट है, ब्लेड्स आर अटैच टू द और उसके ऊपर अटैच रहते हैं क्या, ब्लेड्स। अब इसका एक एक्चुअल डायग्राम दिखाता हूँ मैं, ऐसे एक एक्चुअल डायग्राम है जो हकीकत में ऐसा ही होता है। रनर दिख रहा है, रनर एक क्या रनर है, इसमें ब्लेड अटैच रहते हैं जो कि कर्व टाइप में रहते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्या करता है, मूव होता है, ये फिक्स रहता है सॉफ्टवेयर, वो क्या करता है, मूव करता है। जैसे कि यहाँ इस ब्लेड्स पे क्या होती है, स्टीम स्ट्राइक होती है, ठीक है, फोर्स लगाती है, उसके कारण ये रोटेशन सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है। तो इसके साथ सॉफ्ट यहाँ अटैच रहती है और वो भी उसके साथ मूव करती है, तो इसको टर्बाइन रनर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या, ब्लेड्स, ब्लेड जैसा अभी बताया, ये क्या होते हैं, ब्लेड्स जो रनर के ऊपर लगे रहते हैं वो क्या रहते हैं, ब्लेड्स। ब्लेड्स पे क्या होता है, जैसा लिखा हुआ है, स्टीम क्या स्ट्राइक करती है, इट इज द पार्ट ऑफ द टर्बाइन ऑन विच द फास्ट मूविंग फ्लूड स्ट्राइक ऑन और रोटेट द रनर, है ना। जो ब्लेड्स पे क्या होते हैं, जो फ्लूड्स होता है, ऐसे स्टीम इसमें या फिर फ्लूड भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, वो क्या करती है, ब्लेड्स पे स्ट्राइक करती है। अब क्या केजिंग होती है, केजिंग क्या होती है, इट इज द आउटर एयर टाइट कवरिंग ऑफ द टर्बाइन विच कंटेन द रनर एंड ब्लेड्स। ये जो रनर और ब्लेड्स है इसके ऊपर एक कवर लगा रहता है, उसको केजिंग बोलते हैं। इट इज प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टर्बाइन, ठीक है, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। दिखा देते हैं कैसा, ये क्या, ये जो ऊपर लगा हुआ ये क्या होता है, इसको केजिंग बोलते हैं। ये दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, जैसे ये नोजल हो गया, ये अंदर बकेट्स है, रनर है, ठीक है, ब्लेड्स लगे हुए हैं, ये क्या, इसको प्रोटेक्ट करता है, कवर टाइप का होता है, इसको केजिंग बोलते हैं। ये थे मेन पार्ट्स, नोजल, रनर, ब्लेड्स, केजिंग। अब मैं इसकी वर्किंग समझा देता हूँ, टर्बाइन कैसे वर्क करता है ना। जैसे मैं वर्किंग अभी स्टार्टिंग में भी एक डायग्राम से बताया था, इसके अलावा मैंने एक एनिमेशन डायग्राम उसमें भी बताया था, इसको एक बार सिर्फ जो थ्योरी लिखी उसको समझा देता हूँ, जिससे कि आप इसको नोट्स के रूप में लिख सकें और समझ सकें। ऐसा लिखा, आप फास्ट मूविंग फ्लूड, फ्लूड क्या, वाटर हो सकता है, गैस, स्टीम या विंड। अब इसमें स्टीम की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, जो हमारा स्टीम जो नोजल के थ्रू आ रही, इज मेड टू स्ट्राइक ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, जो टर्बाइन के ब्लेड्स है उस पर फोर्स लगाता है, मतलब स्ट्राइक करता है, डायरेक्ट अटैक करता है, ठीक है, तो फोर्स लगाए। अब क्या होता है, एज द फ्लूड स्ट्राइक द ब्लेड, जब फ्लूड ब्लेड्स पे स्ट्राइक करते हैं, इट रोटेट्स द रनर, जो रनर था मैंने अभी बताया था वो क्या करता है, रोटेट करता है। हियर द एनर्जी ऑफ द मूविंग फ्लूड इज कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल एनर्जी, किसमें, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होता है, जनरेटर इज कपल्ड विद द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन, अब जो रनर होता है उसके साथ शाफ्ट कनेक्ट रहती है, उसके साथ जनरेटर कनेक्ट रहता है, विद द रोटेशन ऑफ द रनर ऑफ द टर्बाइन द शाफ्ट ऑफ जनरेटर आल्सो रोटेट, उसके साथ क्या शाफ्ट रोटेट होती है। अब क्या, द जनरेटर कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द रनर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसा मैंने पूरा सिस्टम अभी बताया था, वैसे इसमें ये वर्किंग लिखी हुई है, उसको मैंने समझा दिया। अब इसके अपन टाइप समझते हैं कि कितने टाइप्स के बॉयलर होते हैं, किस बेस पे होते हैं। तो बात कर लेते हैं स्टीम टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्या, जैसे लिखा है, टाइप्स ऑफ स्टीम टर्बाइन किस बेस पे, सबसे पहले क्या, स्टीम एक्शन बेस पे, जो स्टीम मोड ऑफ स्टीम एक्शन बेस पे दो टाइप्स के होते हैं, इंपल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। इंपल्स टर्बाइन का मतलब क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, एक स्टेशनरी नोजल यूज होता है, जिससे क्या स्टीम निकलती है वो डायरेक्ट स्ट्राइक किस पे करता है, ब्लेड्स पे करता है, ठीक है। और जो इंपल्स फोर्स लगता है उस पर, उसके थ्रू क्या करता है, रनर पूरा मूव करता है, और मूव करता तो उसके साथ, जैसे कि हमने अभी टर्बाइन्स अभी बताया, टर्बाइन्स में क्या, उसके साथ शाफ्ट कनेक्ट रहती है और जनरेटर कनेक्ट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो ये इंपल्स टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, इसमें नोजल यूज नहीं होती, इसमें क्या कहते हैं, जो ब्लेड्स है उसका ही इस तरह का शेप बनाते हैं कि जो एंड में है उसमें नोजल टाइप्स का होता है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। अब क्या, डायरेक्ट शाफ्ट के थ्रू अपन क्या करने, स्टीम को उसमें फ्लो कराते हैं, वो एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, स्टीम आउट होती है, उसके थ्रू क्या वो मूव होने लगती है। मैं उसका डायग्राम बता देता हूँ कैसे। जैसे ये दिख रहा है, ये क्या है, इंपल्स टर्बाइन, ठीक है, ये दिख रहा है, ये क्या लगे हैं, ब्लेड्स, जो नोजल लगा हुआ, यहाँ से स्टीम या कोई फ्लूड वो स्ट्राइक कर रहा है किस पे, ब्लेड्स पे, ये क्या इस तरह रोटेट मूव करेगी, ठीक है ना। और ये क्या शाफ्ट लगी, इसके साथ क्या की, शाफ्ट मूव करेगी, शाफ्ट के साथ जनरेटर लगा रहता है, तो इस तरह जो क्या कहते हैं, जो स्टेशनरी नोजल यूज हो रहा है वो क्या है, इंपल्स टर्बाइन में होता है। नेक्स्ट इसका क्या था, रिएक्शन टर्बाइन। जैसा ये रिएक्शन टर्बाइन दिख रहा है, इसमें क्या आता है, ऐसा मैंने बताया, शाफ्ट कनेक्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, कोई भी फ्लूड मतलब वाटर या स्टीम यहाँ से एंटर कर रही, ये अंदर जा रही, अंदर जा रही इसके अंदर, इसके अंदर से क्या होता है, ये जो ब्लेड्स दिख रहे हैं, ये ब्लेड्स इस टाइप से लगे रहते हैं, इसका जो दिख रहा है नोजल टाइप से एंड पोर्शन बना रहता है, यहाँ से क्या, स्टीम हाई प्रेशर से बाहर की ओर निकलती है अपोजिट डायरेक्शन में,
ठीक है, तो इस पे कौन सा फोर्स, रिएक्शन फोर्स अप्लाई होता है, तो उसके कारण क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। ठीक है, ये रोटेट करता है तो क्या होता है, मूव होती है, मूव होता है तो क्या होता है, उसके साथ शाफ्ट भी मूव होने लगती है, क्या, रनर। ठीक है, तो आपको समझ में आया, इसमें नोजल यूज नहीं किया। नोजल टाइप्स के जो जो हमारे ब्लेड्स होते हैं उसके एंड में बनाया जाता है, जो कि हाई वेलोसिटी से जो फ्लूड से वो क्या आउट होता है, आउट होने का अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों की, जो ब्लेड्स होते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, मूव होने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द स्टीम फ्लो, क्या होता है, एक्सियल फ्लो टर्बाइन और रेडियल फ्लो टर्बाइन। जैसा लिखा हुआ है, अगर एक्सिस के डायरेक्शन में, देखिए डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रनर, द टर्बाइन इज कॉल्ड एक्सियल फ्लो। ठीक है, अगर स्टीम जो एक्सिस के पैरेलल है, एक्सिस की डायरेक्शन में क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, तो उसे एक्सियल फ्लो टर्बाइन बोलेंगे। अगर उसके परपेंडिकुलर फ्लो हो रही है तो उसे रेडियल फ्लो टर्बाइन बोलेगी। मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आपको। जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है एक्सियल फ्लो टर्बाइन का, इसमें दिख रहा है कि फ्लूड एक इन हो रहा है और इधर आउट हो रहा है। एक्सिस की डायरेक्शन कौन सी है, यही जो ये टर्बाइन, एक टर्बाइन टाइप का बनाया गया, इसमें एक्सिस की डायरेक्शन ये, मतलब एक्सिस की डायरेक्शन में फ्लूड इन हो रहा है और आउट हो रहा है, तो इस टाइप का टर्बाइन उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो टर्बाइन। अब नेक्स्ट क्या, रेडियल फ्लो टर्बाइन, मतलब क्या होता है, ये एक्सिस से इसके देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाटर इन हो रहा है या फ्लूड कोई इन हो रहा है, स्टीम भी, स्टीम या वाटर इन हो रहा है और यहाँ से आउट हो रहा है, तो इस टाइप के जो फ्लो होता है, ठीक है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो उसे रेडियल फ्लो टर्बाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द एग्जॉस्ट कंडीशन ऑफ द स्टीम, मतलब कंडेंसिंग टर्बाइन और नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन। अब कंडेंसिंग टर्बाइन समझते हैं, कंडेंसिंग जैसे कि मैंने अभी फर्स्ट डायग्राम बताया था, इसमें क्या होता है, आउट होके स्टीम कहाँ जाती है, कंडेंसर में जाती है, उससे फिर से वाटर बन जाता है। ऐसे ही कंडेंसिंग टर्बाइन उस टाइप के टर्बाइन होते हैं जिसमें कंडेंसर यूज किया जाता है, मतलब स्टीम आउट होने के बाद सीधा कंडेंसर में जाती है और वो फिर से सर्कुलेशन में आ जाती है वाटर बन की। लेकिन नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन में क्या होता है, स्टीम आउट होती है तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट में चली, एटमोसफेयर में चली जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। ठीक है, तो उस टाइप के जो टर्बाइन होते हैं नॉन कंडेंसिंग टर्बाइन होते हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेशर ऑफ स्टीम, हाई प्रेशर टर्बाइन, मीडियम प्रेशर टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन। अब नीचे से यूज करने पर लो प्रेशर टर्बाइन क्या होती है, लो प्रेशर टर्बाइन में क्या होता है, 1.2 बार से 2 बार तक जो टर्बाइन का प्रेशर होता है उसे बोलते हैं लो प्रेशर टर्बाइन। और मीडियम प्रेशर टर्बाइन में क्या होता है, 2 बार से 40 बार तक, मतलब 40 बार तक, 2 बार से 40 बार तक, 2 बार से 40 बार तक जिसका प्रेशर रहता है उसे मीडियम प्रेशर टर्बाइन बोलते हैं। और 40 बार से अधिक, मतलब 40 बार से या 40 बार से अधिक जिस टर्बाइन का प्रेशर रहता है उसे बोलते हैं हाई प्रेशर टर्बाइन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेज, मतलब सिंगल स्टेज स्टीम टर्बाइन और मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन। सिंगल स्टेज स्टीम टर्बाइन में क्या होता है, सिंगल स्टेज में क्या होता है, स्टीम सीधा स्ट्राइक करती है, ठीक है, ब्लेड्स पे, ब्लेड मूव होता है और डायरेक्ट आउट हो जाती है, ठीक है, एग्जॉस्ट, ठीक है, इन द कंडेंसर में, ठीक है। लेकिन मल्टी स्टेज टर्बाइन में क्या होता है, स्टीम सिंगल स्टेज में, मतलब स्टीम क्या किस पे गई, ब्लेड्स पे गई, स्ट्राइक किया, इसके बाद वहां से आउट होके जो सेकेंड मल्टी स्टेज का बोला है, तो सेकेंड जो ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, या सेकेंड स्टेज होती है उस पर जाके आउट होती है, ठीक है, तो उसके बाद उस पर भी वो वही वर्क करती है, क्या करती है, उसको भी मूव कराती है, ठीक है, फिक्स्ड ब्लेड्स, मतलब सेम जो फर्स्ट पे स्ट्राइक किया सेम सेकेंड पे, लेकिन सिंगल में क्या होता है, डायरेक्ट आउट हो जाती है, लेकिन मल्टी स्टेज में उसका और यूज हो सकता है, किसका, जो हमारी स्टीम स्ट्राइक हो रही है, मतलब सेकेंड मूविंग ब्लेड्स में भी वो वही काम करेगी, मतलब स्ट्राइक करेगी ब्लेड्स पर, उससे वो हमारी उससे फास्ट मूव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह ये क्या थे हमारे, क्लासिफिकेशन था स्टीम टर्बाइन का और मैंने इंट्रोडक्शन बताया। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो आप देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।